सभी को नमस्कार। मेरा नाम मारुति जे के शर्मा, मैं दिल्ली से हूँ और वर्तमान में हरियाणा और दिल्ली एससीईआरटी के साथ में सहयोग कर रहे हैं हम लोग कि कैसे हम जो हम लोगों ने अपने गुरुओं से सीखा है आप लोग साझा करें और बच्चों के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बना पाएं कि भविष्य में उनको मैथमेटिक्स में डाउट्स ना आने पाए। अभी तो भारत की स्थिति अच्छी बन रही है, पिछले कुछ वर्षों में गणित और विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग काफी अच्छा उभर के आगे आ गए हैं। 2010 में भारत 23वें नंबर पे था एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स, यानी कि भारत के पढ़े हुए बच्चों को नौकरी देने में विदेशों में अन्य देश कितनी रुचि दिखाते हैं इसका एक सूचकांक बनाया गया है। उसमें भारत की स्थिति 23वें नंबर पे बिल्कुल थी 2010 में, और 2020 में हम आ गए 15वें नंबर पे। मतलब हमारी स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। कई देश ऐसे हैं जो भारत के बच्चों को तुरंत नौकरी देने के इच्छुक हैं। उनका मानना है कि यहाँ के बच्चे पढ़े हुए मेहनत कर सकते हैं किसी भी विषय में, चाहे वो ज्ञान विज्ञान हो, गणित हो या फिर तकनीकी हो। पूरा वैदिक मैथ्स फंडामेंटल है, बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट होता है और बहुत ही इसका लंबा एक्सटेंशन है। मतलब एवरी थिंग वी कैन कवर अंडर वैदिक मैथमेटिकल सिस्टम। किस तरह से कवर करेंगे उसके हम कुछ आज विचार करेंगे, थोड़े कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्लास प्री प्राइमरी टू कॉलेज लेवल, हर जगह पहले सबसे पहले टॉपिक रखे हमको नंबर्स के। नंबर्स का बोलबाला है हर तरफ। नाइन्थ एंड टेंथ के बुक्स में भी दो टॉपिक है नंबर्स के, नंबर सिस्टम और रियल नंबर्स। तो पहली बात तो ये कि नंबर्स का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर। डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं नंबर से, ओके ठीक है। और कोई नंबर जो एक्चुअल मीनिंग हम लगाते हैं वो लगाते हैं नंब से। नंब का मीनिंग होता है म्यूट। इस वर्ड का जो समानार्थी शब्द इसका बनेगा वो बनेगा शांत, चुप, म्यूट। तो नंबर क्या बन जाएगा, म्यूटेड सिंबल्स। म्यूटेड मैथमेटिकल सिंबल्स मतलब ऐसे चिन्ह गणित और विज्ञान में जो अपने आप में शांत है, वो अपने आप कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जिस सिस्टम से अटैच होते हैं उस सिस्टम के बारे में काफी कुछ हमें जानकारी दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज शोइंग दिस, व्हाट इज दिस, इसका हम उत्तर क्या देंगे बच्चे को, या स्टूडेंट हमारा क्या रिएक्शन देते हैं, हम कहते हैं व्हाट इज दिस, ये क्या है। वन फिंगर और समथिंग विच रिप्रेजेंट्स वन। वन की एंट्री बहुत बाद में होगी सर। हम जब भी हमें ये इससे कोई दिखाएगा व्हाट इज दिस, इट इज इंडेक्स फिंगर ऑफ राइट हैंड, ये तर्जनी उंगली है। वन की एंट्री बहुत बाद में, जब पूछेंगे हम हाउ मेनी फिंगर्स या कितनी उंगलियां मैं दिखा रहा हूं, कितना कितनी कितने, ये जब वर्ड आएंगे देन वी कैन से काउंटिंग स्टार्ट होगी, तब आएगी मैथमेटिक्स की एंट्री, तब आंसर आएगा वन। इफ समवन शोइंग दिस व्हाट इज दिस, तो इंडेक्स एंड मिडिल, तर्जनी और मध्यमा उंगली दिखा रहा हूं मैं, मेरे दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगलियां हैं यहाँ पर, कितनी उंगलियां हैं। तो जब काउंटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हुई तब तो हमारे पूर्वजों ने जो गुफा के गुफा मानव भी रह चुके केव मैन, उन्होंने प्रारंभ किया गणित में संख्याओं का निरूपण किया। उन्होंने पहले संख्या किस तरह की थी, 1 2 3, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। बहुत बाद में इसमें जीरो की एंट्री हुई, बाकी संख्याएं बहुत पहले से चल रही थी अपने आप। जीरो की एंट्री पहले हुई बिंदु के रूप में, फिर आर्यभट्ट ने इसको प्रॉपर साइन दिया जीरो को, इस तरह लिखने का हमें तरीका सिखाया। उसके बाद पूरी गणित में क्रांति आ गई शून्य के लिए, जिसका स्वतः अपने आप में रूप कुछ नहीं है, उसके लिए भी एक ऐसा स्थान हमने सुनिश्चित कर दिया कि गोलाकार या वलयाकार क्षेत्र के अंदर उसको बांध दिया। तो शून्य ने, जीरो ने जब से एंट्री नंबर्स के अंदर, नंबर्स का पूरा गेम पलट गया, कंप्लीट सिस्टम चेंज हो गया नंबर्स का। दशमलव जो डॉट लगाते हैं हम लोग, तो 5.3 पढ़ते हैं, 5.3
दशमलव, इस शब्द की उत्पत्ति ऐसे ही हुई है। जब हम प्रणाली को लेके आए, जब सिस्टम लेके आए, जिसमें प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम, तो टोटल इसमें 10 सिंबल्स हो गए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन 10 सिंबल्स के अकॉर्डिंग दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो बनता है 9th एंड 10th के हिसाब से अपना, वो ये है इन डिवीजन प्रोसेस 1/2 (index A) and 5 (index B). जब भी डिनोमिनेटर में 2 और 5 के कोई इंडिसेस होते हैं तो डिवाइड करने पे आंसर आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब ये उत्तर कहीं ना कहीं समाप्त होता, रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? रीजन, अगर 2 और 5 ही घातांक होते हैं किसी के भाग करने के हर में, डिनोमिनेटर में, देन डिवीजन इज टर्मिनेट इन डेसिमल, अदरवाइज नॉट। अदर कोई और नंबर 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, तो नहीं होता ऐसा। ऐसा क्यों होता है? रीजन, सर, क्योंकि 10 बन जाएगा, 2 और 5 होंगे तो 10 नीचे 10 से डिवाइड कर पाएंगे हम, ओके, मान लीजिए हो गया 1/30। राइट? 30 में 10 बनता है, 10 होता है 30 के अंदर, लेकिन इसका उत्तर था 0.03333, नॉन टर्मिनेटिंग है ये आंसर। ये उत्तर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। ऐसा क्यों? 10 से i बन रहा है। 10 एक फैक्टर बन जाएगा, 10 से पूरा। हाँ जी, उस अगर 1/40 दिया गया तो ये भी खत्म होता है, ये भी शांत हो जाता है। इसका आंसर कितना आएगा? 0.025। सर 40 में नीचे 2 फैक्टर आ जाएगा और उसको हम की टेबल लगाएंगे, 5 5 से काउंट करेंगे तो 9 27 है सर, उसमें जीरो कहीं नहीं आता। बट ये 2 और 5 के डिवीजन, 2 और 5 के फॉर्मेट से टर्मिनेट डेसिमल क्यों बनता है? देखिए, इसका मूल जो आधार बनता है इस तरह का, अगर मैं 10 को निकालता हूँ इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, तो 10 होता है 2 × 5। ऑल एग्री, राइट? ओके, राइट। जब भी हम डेसिमल सिस्टम में काम करेंगे, इन डेसिमल सिस्टम चूंकि 10 का निर्माण 2 और 5 से हुआ है, तो 2 के किसी भी घातांक और 5 के किसी घातांक के लिए अगर हम डेसिमल सिस्टम में काम कर रहे हैं base 10 पर, तो आंसर आएगा हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल। दिस आंसर वुड बी टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हमेशा ट्रू रहेगा। इसको मिस्टर समझे कि वैदिक गणित में सिद्धांत हमको दिया गया है। सर, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर मैं कोई बेस सिस्टम 6 चूज करता हूँ, बिल्कुल, तो 2, 3 या 6, तो वो 2 और 3 से टर्मिनेटिंग आएगा हमेशा, राइट सर? परफेक्ट परफेक्ट, यही आपने पकड़ ली बात। हाँ जी, तो अगर सर बेस चेंज कर दूं, सर एक एग्जांपल लेके जरा बनाइए सर, के वास्तव में ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप अगर आप कर पाए तो सर, नहीं तो मुझे बाद में करना पड़ेगा। नहीं, आप थोड़ा प्रयास करेंगे बाद में, अभी तो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बेस 6 का मतलब क्या होगा? देखो, नंबर लिखा गया, मान लीजिए ABCD, इसका मतलब हो जाएगा D × 6^0, P × 6^1, B × 6^2 और A × 6^3। इसका अर्थ ये हो गया, अगर हमने कहा कि बेस 14 है तो 2 (index A) 7 (index B), इसका उत्तर बेस 14 पर हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, सॉरी टर्मिनेटिंग हो जाएगा, इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेट कर जाएगा, ये नॉन रिकरिंग है। एक सिंपल एग्जांपल देकर बता दे रहा हूं मैं इसको, 1/6 का मान बेस 6 पर, एक्चुअली में सर बेस 6 में नंबर नंबर कितने होंगे बेस 6 में? 0 to 5, हर किसी नंबर उतने होते हैं जो बेस है उसके काउंट। हाँ, वही नंबर तो वही बनेंगे ना, 0 to 5, राइट सर? हाँ जी, किसी बेस में जो उच्चतम संख्या होती है, हाँ जी, वो उस बेस से एक कम, यही है एक न्यूनयन पूर्वयन, जो सिद्धांत हमारा वैदिक गणित का है कि आधार के अंक के अनुसार किसी आधार संख्या क्रम में अधिकतम संख्या का निर्माण होता है एक न्यूनयन पूर्वयन से। अगर आधार 10 है तो अधिकतम संख्या 9 होगी, आधार 6 है तो अधिकतम संख्या 5 होगी, आधार 4 है तो अधिकतम संख्या 3 होगी, ऐसे चलेगा हमेशा। 1/6 का मान आधार 6 पर 0.1 ये रहेगा,
तो 1/6 का मतलब हो गया 0.1, किस पर? बेस 6 पर, मतलब दशमलव के बाईं और दाईं तरफ कोई संख्या लिखी, मान लीजिए लिखा गया ए बी सी डॉट डी ई एफ, इस संख्या का जो विस्तारित रूप होगा हमारे लिए वो ये होगा जनरल तरीका सी इंटू आर इंडेक्स 0, बी इंटू आर इंडेक्स 1, ए इंटू आर इंडेक्स 2, डी इंटू आर इंडेक्स निगेटिव 1, ई इंटू आर इंडेक्स निगेटिव 2 एंड एफ इंटू आर इंडेक्स निगेटिव 3। सर दिस आइडिया एक्चुअली सीम्स टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सर, ये प्राइम नंबर थ्योरी से जो हम लोग पढ़ाते हैं क्लास 4th 5th में, प्राइम नंबर थ्योरी, वहां से ये डिस्कनेक्ट कर दिया, ब्रेक कर दिया गया, प्रॉब्लम ये आ गई बस। ओके सर, किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वही उस नंबर के डिविजन में मल्टीप्लिकेशन हेल्प करेगा हमको, हमें उसको पकड़ना प्राइम फैक्टराइजेशन को। ये जनरलाइज फॉर्मेट लिखा मैंने यहाँ पर किसी आधार आर के लिए, लेकिन हम बात करेंगे डेसिमल की बार बार, बिकॉज डेसिमल पढ़ा रहे हैं हम लोग स्कूल में अपने। डेसिमल सिस्टम मीन्स शून्य से 9 तक की संख्याओं का हम प्रक्रिया कराते हैं बस, बाकी हम कराते नहीं क्लास में अपने। लेकिन जनरल फॉर्मेट टीचर्स को हमको ही आना चाहिए, विद्यार्थी को पढ़ाने नहीं पढ़ाने वो अलग बात है, हमको ही आना चाहिए। सर एक कंक्रीट एग्जांपल लेके, जैसे आपने डेसिमल सिस्टम में हम 1/6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज 1/2 × 3, तो इट मींस दैट विल कैरी ऑन, दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग, बट हियर इन केस ऑफ बेस 6 व्हेन आई डिवाइड 1/6 देन व्हाट विल बी माय आंसर, मतलब हाउ आई कैन गेट दैट एक्सेप्ट फ्रॉम दिस मेथड व्हिच यू सजेस्टेड राइट नाउ विद एबीसीडी डॉट डीईएफ। लेट्स से एबीसी तीनों 0 हो गए और डी 1 हो गया, ई 1 हो गया, एफ 0 हो गया, एफ गायब हो गया। सर अगर हम ये कहें कि हम लाइन, जैसे लाइन सिस्टम है हमारा, लाइन नंबर सिस्टम है हम, जैसे इसमें 0 to 1 है, उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो जैसे आपने कहा 1/6 मीन 0.1, ठीक है सर? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरह से अगर मान लो हमारा 1.1 है तो 1 + 1/6, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। 1.1 अगर आधार 6 पे बनेगा तो इसका मतलब हो गया दशमलव के बाईं तरफ वाला 1 जो होगा 6 की घात 1 से गुणा होगा, 6 की घात 0 से गुणा होगा, और दशमलव के दाएं वाला 6 की घात -1 से, ऋणात्मक 1 से गुणा होगा, यानी कि 1 + 1/6 = 7/6 बन जाएगा ये। यस सर, बेस 6 पर ये रूल है कन्वर्जन का। तो जो मूल आधार इसका बेसिक पॉइंट हम बात कर रहे हैं वो है प्राइम फैक्टर्स की, क्योंकि 10 के दो फैक्टर्स है 2 और 5, तो जब तक हम कैलकुलेशंस करते रहेंगे डेसिमल सिस्टम के अंदर 2 और 5 की इंडिसेस उनकी पावर से डिवाइड कर रहे हैं अगर हम डिनोमिनेटर में रख करके, तो हमेशा टर्मिनेटिंग आउटपुट आएंगे। अगर 14 बेस कर दूं मैं तो 2 और 7 इसके 14 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं, 2 और 7 की कोई भी इंडेक्स लगा दूं डिनोमिनेटर में तो डिविजन करने पर हमेशा टर्मिनेटिंग आउटपुट आएगा। 21 कर दूं तो 3 और 7 का इंडेक्स चाहिए होगा मुझे। ये जनरलाइज फॉर्मेट है, यही वैदिक गणित का मूल आधार है अपना, बिल्कुल। जो बेस सिस्टम है वैदिक मैथ्स का ये कि जो बेस हम चूज करेंगे उस बेस के प्राइम फैक्टर्स पूरा ब्रह्मांड रच देते हैं, दे कैन डिजाइन, दे कैन ओरिजिनेट कंप्लीट यूनिवर्स ऑफ नंबर्स। तो पूरा गेम सेटअप है प्राइम फैक्टर्स पे। अगर हम प्राइम फैक्टर्स को विस्तार से थोड़ा समझे, पहली बात तो ये कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम नंबर। एक फंडामेंटल डेफिनेशन जो बुक्स में पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी ने भी अपनी बुक्स में प्रिंट कर रखी है, और मेजॉरिटी ऑफ बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, उसमें एक ही डेफिनेशन रखी है, अ नंबर व्हिच कैन हैव एग्जैक्टली 2 डिवाइजर्स, 1 एंड इटसेल्फ। नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स, वी कैन डिफाइन द डेफिनेशन, distinct divisors, one and itself is called as a prime number. इसी को रिवर्स कर दो, उल्टा कर देंगे हम, मतलब कहने का composite, a number having exactly 2 divisors A number having exactly
टू डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स मस्ट बी अ प्राइम. Only two divisors होंगे उसके, must be a prime number. जिस संख्या के सिर्फ दो ही भाजक हों, भिन्न भिन्न भाजक हों, वो सदैव अभाज्य संख्या ही होगी. सर एग्जाम्पल देंगे, कोई भी लेते हैं. जैसे मान लीजिए एक संख्या दो ली, इसके दो भाजक हैं वन एंड टू, तो व्हाट इज टू, इट्स ए प्राइम. तीन ले लिया, तीन के सिर्फ दो भाजक हैं एक और तीन, तो तीन क्या हो गया, एक प्राइम हो गया. चार है, चार के तीन भाजक आ गए वन टू एंड फोर, तो चार प्राइम नहीं होगा. ऐसे यस सर, हम सेम डेफिनेशन लेकिन उल्टे तरीके से यूज करते हैं. उसका लाभ क्या होगा, हमको लाभ क्या मिलेगा वो देखते हैं जरा. मानिए हमसे कहा गया कि फाइंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर having exactly three divisors. ट्राई इसमें कहां से निकाल के आएगा, सब विचार करें एक मिनट तक, देखते हैं इसका उत्तर कैसे आता हमसे. न्यूनतम चार अंकीय संख्या इसके सिर्फ तीन और सिर्फ तीन ही भाजक हैं. एक उत्तर दिया है सतपाल सर ने, 1111 1111 के तीन नहीं होंगे सर, इसके होंगे चार भाजक. 1111 एक संख्या है, ये संख्या 1111 जो है जी सर, 1111 के चार कैसे होंगे सर, इसके भाजक होंगे एक, 11, 101 और 1111. सॉरी सर, ठीक है ठीक, इसके चार भाजक हो जाएंगे. हाँ जी, तो पहले हम पैटर्न पकड़ लें, इससे निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. न्यूनतम संख्या कौन सी इसके तीन भाजक हैं, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज हैविंग एग्जैक्टली थ्री डिवाइजर्स, वो कौन सी है. प्राइम नंबर 6241. ये कैसे आया, हाउ. प्राइम नंबर होगा सर, प्राइम नंबर खुद का स्क्वायर होगा, तो एक ही फैक्टर होगा, एक वन होगा और एक वो जो मल्टीप्लायर आएगा वो होगा. तो 6241 किसका स्क्वायर है, 79 का स्क्वायर है सर. 79 का स्क्वायर हो गया 6241. ऑल एग्री, बट ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा चार डिजिट का, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर है क्या. नहीं सर, ऐसा नंबर फाइंड है जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आएगा ना सर. ओके हाँ, अब सही आ रहा उत्तर. देखिए अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो भी आएगा ना सर, फोर डिजिट के मल्टीप्लायर में आएगा, तो वो सारे नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. राइट, 1369 उत्तर दिया सतपाल सर ने, ये होता है 37 का वर्ग शायद. 1369 सर. हाँ, ये 1369 होता है 37 का वर्ग, 37 का स्क्वायर. जी सर, 3 बनेगा सर. उत्तर ये बन गया इसका, चार के तीन डिवाइजर हो गए एक दो चार, चार का अगली संख्या 9 आती है, इसके तीन डिवाइजर होते हैं 1 3 9, इसके आती है 25, 25 का होता है 1 5 25, और ये पैटर्न बन जाता है. चार है 2 का स्क्वायर, 9 है 3 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर, एंड इसी प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच जाते हैं सारे प्राइम्स के स्क्वायर देखते हुए. वी आर वर्किंग ऑन स्क्वायर ऑफ ऑल द प्राइम्स. 7 स्क्वायर इज 49, 11 स्क्वायर इज 121, 13 स्क्वायर इज 169 एंड सो ऑन. हमको पता है कि 31 इज अ प्राइम नंबर, इसका वर्ग होता है 961. 13 का अगला प्राइम जो आएगा वो आएगा 37, उसका वर्ग यहाँ लिखा हुआ है, दैट इज 1369. गॉट इट, ऑल एग्री. फाइंड द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर, फोर डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्टली फाइव डिवाइजर्स, ये निकालिए जरा एक बार. स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्टली फाइव डिवाइजर्स, तीन नहीं अब की 5 डिवाइजर इसके. सर कोई भी ऐसा नंबर जो कंप्लीट क्यूब हो सर, और प्राइम नंबर का क्यूब हो. पांच डिवाइजर प्राइम का क्यूब, मान लीजिए 5 है डिवाइजर, कैसे होंगे, कैसे होंगे उसमें, मान लीजिए 8 लिया, 8 है 2 का क्यूब, 8 इज 2 क्यूब्ड. हां सर, 8, 4 बनेंगे, 8 के डिवाइजर 4 ही होंगे, 5 नहीं होंगे ना. तो फिर सर रेट टू पावर 4 हो, 4 होगी पावर.
प्राइम नंबर की पावर, प्राइम की पावर फोर नहीं चाहिए इसमें, एकाधिकरण पूर्वज के अनुसार अगर पांच वैध रहने चाहिए तो प्राइम की घात चार आएगी, प्राइम चार आएगी सर। यस तो कौन सा होगा नंबर बताइए, चार अंकों का विचार करिए इस पे। सेवन की पावर फोर सर, नहीं सर, सेवन की पावर फोर तो 2024-2401 होगा सर, 17 रेट टू पावर फोर हो सकता है सर, 17 इंडेक्स फोर। यस सर, नहीं स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर निकालना है, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, 17 टू पावर फोर गलत क्यों हो गया? 13 रेट टू पावर फोर में सर, 169 रेट टू पावर टू, 17 टू पावर फोर तो 2401 है, यस और नो? 13 रेट टू पावर फोर हो सकता है सर, 7 टू द पावर 4, 7 टू द पावर 4 सर, 4 डिजिट नंबर ही तो है, हमें निकालना है 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, न्यूनतम 4 अंक की संख्या इसके 5 भाजक है वो निकालना है हमको, तो 7 की पावर 4 4 डिजिट आ गया सर मेरे का, 7 टू द पावर 4 संभव है बिकॉज़ 7 से पहले प्राइम कौन सा है, 5, 5 की घात 4 कितना होता है, 5 की घात 4 625 हो गया सर, छोटा हो गया, 625 के 5 भाजक है लेकिन वो 3 अंक की संख्या है, 3 अंक का सर, 5 अगला प्राइम आ गया 7, 7 घातांक 4 होता है 2401, 2401 7 घातांक 4 है, किसी प्राइम की घात 4 एकाधिकेन पूर्वज से घातांक 4 तो 5 डिवाइजर आएंगे इसके, एक साधारण सिद्धांत वैधिकरण का बहुत दूर तक चलेगा, एकाधिकेन पूर्वज किसी भी प्राइम नंबर की घातांक अगर हमारे पास x है तो उसके x+1 डिवाइजर रहेगा हमेशा।